हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है लोकेंद्र कुमार। आपका स्वागत है लोकेंद्र स्टेनोग्राफर में। तो हम अभ्यास 7 को आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, ये संकेत लिपि में लिखना है हमको। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये संकेत लिपि में लिखना है। तो ये हो गया आपका पा, ठीक है। तो ये आकडंडाय तय हो जाएगा पा, और ये हो जाएगा आपका फा। फा हो गया, कट गया, और ये हो जाएगा फा का फी, और ये हो जाएगा आपका ला, ठीक है। तो ये आकडंडा यहाँ लग जाएगा पहले प्लेस पर। ये हो जाएगा आपका ला हो गया, और सेकंड प्लेस पे हो जाएगा ये लो, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको कि जैसे कि ना है, ये ना ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे बना मैं, जैसे कि मैं को आप लोग कहते हैं कि इसको यूं को बना, यूं ही बनेगा, ना कि न्यू, ठीक है। इसका नियम है ऐसे, इधर से यूं चलेगा। जैसे ला है तो नीचे से ऊपर ला, फा है तो ऊपर से नीचे, पा है तो ऊपर से नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ने, और ये हो जाएगा आपका से, ये हो जाएगा आपका का, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा है तो ये जाएगी को, और ये हो जाएगा आपका जो, ठीक है। तो ये हो गया आपका माँ, पहले आ बोल रहा है तो पहले प्लेस पे आ लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माँ, और ये हो जाएगा पहले ओ बोल रहा है तो ये हो जाएगा डैश, मोटा डैश ओ म, ये हो जाएगा आपका जा बनाया, आ पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा पहले प्लेस पे मोटा डैश आज, और ये हो जाएगा आपका स, ई थर्ड प्लेस पे मोटा बिंदु इस, और ये हो जाएगा आपका सा, पहले ओ बोल रहा है तो मोटा डैश सेकंड प्लेस पे ओ स, और ये हो जाएगा आपका ईख, हो जाएगा खा कट जाएगा और पहले बोल रहा है थर्ड प्लेस पे इख, ठीक है। ये हो गया आपका उख, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ थर्ड प्लेस पे मोटा डैश उख, ये हो जाएगा आपका खा, खा पहले बोल रहा है फिर आगा डंडा खा। तो ये हो गया आपका रा मु, ठीक है। रा वो ले लिया है हमने, जैसे कि रा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रा और म ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले ऐसे भी लिख सकते हैं रा राम, इसको भी लिख सकते हैं राम, फिर रा ले लिया, फिर उसके बाद में आपका डंडा ना लगा दो मोटा डैश, जो हो जाएगा आपका सा म,
वहाँ का डंडा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। मोटा डैश ये हो जाएगा आपका रा ले लिया, ये हो जाएगा मो, फिर सेकंड प्लेस पे बाद में रो बोल रहा है तो ये हो गया आपका रो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रोम, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया का, ये हो जाएगा मा, ये हो जाएगा काम, ये हो जाएगा आपका बा पो, इसी में जोड़ दिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बा पो और पहले प्लेस पे आगा डंडा बा पो, ठीक है। जो जाएगा आपका सा हो गया और इसी में जोड़ देंगे खा, पहले प्लेस पे आगा डंडा सा ख, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रा तो पहले प्लेस पे ये हो जाएगा रा, ठीक है। ये कैसे बोलेगा रमेश, ठीक है, रमेश को कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका र मे श, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करो जहाँ तक लगे वहाँ तक, ठीक है। पेन को उठाना नहीं है, जैसे मैंने लिखा है ना रमेश, ये हो जाएगा मे की मात्रा लगा दो यहाँ, मोटा डैश मोटा बिंदु सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साधु, साधु कैसे लिखेंगे सा धू, धू कट जाएगा और ये हो जाएगा पहले प्लेस पे यहाँ, ये हो जाएगा आपका मोटा डैश धू, ये हो जाएगा आपका का मा, मोटा डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ले टा, ये हो जाएगा ले पे मात्रा और टा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये हो गया आपका लोटा, लोटा ये हो जाएगा सेकंड प्लेस पे मोटा डैश, ये हो जाएगा टा, ठीक है। पहले प्लेस पे टा लग जाएगा तो आगे डंडा, ये हो जाएगा आपका मो टा, सेकंड प्लेस पे मोटा डैश और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश मो टा, और ठीक है। ये हो जाएगा आपका आराम, ठीक है। आराम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका रा, ये हो जाएगा आ, पहले बोल रहा है तुम्हारा आ तो पहले लग जाएगा आ मोटा डैश, फिर बाद में मोटा डैश आ र अ र रा म आराम, ठीक है। ये कैसे बोलेगा, ये हो गया आपका वटर, वटर ये हो गया आपका व ट र, ये हो जाएगा टी की मात्रा सेकंड प्लेस पे, ये हो जाएगा आपका पालतू, पालतू कैसे लिखेंगे पा ल तू, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस पे थर्ड प्लेस पे सॉरी थर्ड प्लेस पे मोटर डैश और ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे पा पे पा पो पा ल तू तू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मे ला, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस पे मोटर डैश, ये हो जाएगा आपका ला फर्स्ट प्लेस पे, ये हो जाएगा आपका द द ख, ठीक है। देख फिर उसके बाद में दे की मात्रा दे और ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश मोटा बिंदु मोटा डैश, ठीक है।
ये हो गया आपका आ लगेगा पहले, आ हो गया मोडेस आ गो, ठीक है ये हो जाएगा आपका नी, ठीक है इसको माँ को काट देंगे तो नी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा नी, ठीक है ऐसे ही हो जाएगा रा नी, ये हो जाएगा आपका छोटी, छोटी कैसे लिखेंगे, छो हो गया और ये होगा टा, छो को काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सेकंड प्लेस में मोटा डैश, ये हो जाएगा टी, और जो हो जाएगा आपका गर्मी कैसे लिखेंगे, ग ठीक है र मी, ना को काट देंगे तो माँ हो जाएगा, ये हो जाएगा गर्मी, ये कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका रोशनी, इसी में जोड़ दिया, ठीक है नी और रो, ठीक है। और अनाज कैसे लिखेंगे, ना जो पहले बोल गया आपका मोटा बिंदु अ और ना जो, आदमी कैसे लिखेंगे आ दुमी, ठीक है ये हो गया आपका मोटा बिंदु, जो हो जाएगा मोटा अ, पहले आ बोल रहा है अ द द मी, ठीक है। और गाय कैसे लिखेंगे, ग ठीक है, आ पे गया पे आगे डंडा लग जाएगा, ठीक है मोटा बिंदु लगा दें तो आगे डंडा लग जाता है, जो हो जाएगा घा, घास, तो हो जाएगा आपका घा स, जो हो जाएगी आपका, ठीक है ये हो जाएगा कट जाएगा तो ये हो जाएगा आगे डंडा लग जाएगा घास, जो हो जाएगा बोली, ठीक है तो इस पे सेकंड प्लेस पे बो लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका मोटा बिंदु लग जाएगा थर्ड प्लेस पे बोली, ठीक है ये हो जाएगा आपका आराम, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश और फर्स्ट प्लेस पे बाद में आ रा, और ये अगर आराम, ठीक है ये होगा आजादी कैसे लिखेंगे, ठीक है जाओगे और दी, ठीक है ये हो जाएगा आपका आप पहले बोल रहे हैं मोटा डैश और बाद में भी फिर डंडा मोटा डैश आ जा दी, ठीक है। अब देखो रेत कैसे लिखेंगे, जो हो गया आपका रेत, ठीक है मोटा बिंदु रेत, ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है अभ्यास 7 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके थैंक यू, कल मिलेंगे फिर अगले अभ्यास के साथ।